Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 9, Moments book. That is chapter number 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. Okay, so first of all, we'll discuss main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. So let's start with the main character. First character is author as a child. Okay, second character, grandfather, author's grandfather. Okay. Third character, grandma, author's grandmother. Okay. Fourth character, Toto, a pretty and naughty monkey. Okay. Next, author's pets. Now, introduction of this chapter. This is a humorous and adventure story of a naughty monkey named Toto. Ye story ek humorous and adventure story hai naughty monkey Toto ke bare mein. The writer's grandfather brought the monkey from a Tonga driver. राइटर के ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से एक मंकी खरीदा था. द प्रैंक्स प्लेड बाय टोटो हैव बीन रिटेड इन एन इंटरेस्टिंग वे एंड मेक द स्टोरी अ मस्ट रीड फॉर अस. ओके, सो राइटर ने जो टोटो ने इस स्टोरी में बहुत सारे प्रैंक प्ले किए थे उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर में नरेट किया है. ओके, नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर. The writer's grandfather liked to collect animals and had a zoo at home. Okay, writer के grandfather को बहुत सारी monkey collect करने का बहुत ज़्यादा interest था. उनको घर में zoo बनाने का बहुत ज़्यादा पसंद था. Okay, once he bought a monkey named Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees. So एक बार grandfather ने एक Tonga driver से 5 rupees में एक monkey खरीदा. Okay, Toto was kept secretly as a grandmother disliked animals. Toto को बहुत ही secret रखा गया घर में क्योंकि जो writer हैं author की grandmother को animals बहुत ज़्यादा वो animals को dislike करती थी. Toto was very mischievous. Toto बहुत ज़्यादा शरारती था. When the writer and his grandmother hid Toto in a cupboard and tied him to a hook, he broke the hook and caused havoc in the room. So एक बार जब उसको ग्रैंडमदर से छुपाया गया रूम में तो राइटर ऑथर और ऑथर के ग्रैंडफादर ने उसको छुपाने के लिए उसको एक कपबोर्ड में डाल दिया और कपबोर्ड को हुक से बंद कर दिया. ठीक है, और उसके बाद टोटो ने क्या किया जो हुक था उसको तोड़ दिया और पूरे कमरे में हैवॉक कर दिया. मीन्स पूरे कमरे में उसने तबाही मचा दी. ओके, सो द नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉज कैप्ट इन द सर्वेंट्स रूम अलॉन्ग विद अदर एनिमल्स ही डिड नॉट लेट देम स्लीप ऑल नाइट. नेक्स्ट मॉर्निंग टोटो को सर्वेंट रूम में ले जाया गया और सर्वेंट रूम में रखा गया. उस नाइट उसने किसी भी एनिमल्स को वहाँ पे सोने नहीं दिया. ओके, एज ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर फॉर वर्क. अब ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपने काम के लिए. ही डिसाइडेड टू टेक द मंकी अलॉन्ग विथ हिम. अब उन्होंने डिसाइड किया कि मंकी को अपने साथ ले जाएंगे. He carried Toto in a strong bag made of canvas and closed the zip nicely so that Toto could not escape. Okay? So, अब उन्होंने टोटो को एक कैनवस बैग में बंद कर दिया और ऊपर से जिप लगा दी ताकि टोटो वहाँ से एस्केप ना कर सके. टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू गेट आउट ऑफ द बैग. सो टोटो ने बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट किए ताकि वो बैग से बाहर निकल सके, विच मेड द बैग जम्प एंड रोल. ओके, अब टोटो जब जंप कर रहा था जीप को खोलने की कोशिश कर रहा था तो उस जंप से जो बैग था वो आगे आगे रोल हो रहा था. दिस अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ फेलो पैसेंजर्स एट द रेलवे स्टेशन. और इस तरह से जो फेलो पैसेंजर्स थे ऑथर के ग्रैंडफादर के पास, ठीक है, उससे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि उसके बैग के अंदर क्या है जो इस तरह से जंप कर रहा था. ओके, At the Saharanpur railway station, when grandfather was getting his ticket checked, Toto peeked out of his bag and smiled at the ticket collector. अब सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे जब grandfather ने अपनी टिकट कलेक्टर को दिखाई तो टोटो ने अपना फेस बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर की तरफ उसने स्माइल किया. ओके, एज द टिकट कलेक्टर डिक्लेयर दैट इट वॉज अ डॉग. और टिकट कलेक्टर को लगा कि वो एक डॉग है, ठीक है, और उसने डिक्लेयर किया कि वो एक डॉग है. सो ग्रैंडफादर हैड टू बाय टिकट फॉर 3 rupees मस्ट टू हिज अनॉयंस. अब इस तरह से ग्रैंडफादर को उसके लिए 3 rupees में
एक टिकट खरीदनी पड़ती है, ठीक है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाता है, नाराज हो जाता है. व्हेन टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर इट वॉज गिवन अ प्लेस इन द स्टेबल अलॉन्ग विद डंकी नाना. ओके, टोटो डिड नॉट गेट अलॉन्ग विद नाना एज वेल. अब जैसे ही ग्रैंड मदर ने डंकी को, ग्रैंड मदर ने मंकी को, टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए एक अलग सा प्लेस दिया गया, उसको स्टेबल में रखा गया, जहाँ पे डंकी नाना के साथ उसको रखा गया. लेकिन डंकी नाना के साथ भी वो अच्छे से नहीं रह पाया, उसने वहाँ पे भी उन सबको तंग कर दिया. टोटो इन्जॉय टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन. टोटो को बहुत ज़्यादा पसंद था ड्यूरिंग विंटर सीजन में बाथ लेना हॉट वाटर में, ठीक है, वार्म वाटर में. वन डे ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही जंप्ड इनटू अ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर. सो वन विंटर वन डे ऑलमोस्ट वो बॉइल ही होने वाला था एक हॉट केटल में, ठीक है. जब वहाँ पे किचन में एक केटल रखी गई थी गैस गैस स्टोव पे, ठीक है, तो वो टी बनाने के लिए रखी गई थी, तो उसको टोटो को लगा कि शायद वो वहाँ पे जो वाटर है वो वार्म है, क्यों ना वहाँ पे बाथ ले लिया जाए. तो वो एकदम से केटल के अंदर चले जाता है, और जैसे ही केटल में जो वाटर है वार्म होने लगता है तो अपने आप थोड़ा सा बाहर निकल जाता है. फिर उसको ठंड लगने लगती है, उसके बाद फिर से वो वापिस से केटल के अंदर चला जाता है. इस तरह से ऊपर नीचे होता जाता है, और इस तरह से वाटर जो वाटर था वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाटर हो जाता है, और अपने आप को वो एकदम से उसको वहाँ पे बचा लिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे बॉइल ही होने वाला होता है. ओके, वन आफ्टरनून टोटो एट द फैमिली मील ऑफ पुलाव. ओके, एक आफ्टरनून क्या होता है, फैमिली ने अपने लिए पुलाव बना के रखा होता है, और टोटो उस फैमिली पुलाव को लेके एक ट्री पे चला जाता है. ओके, ही थ्रू द एम्प्टी डिश फ्रॉम द ट्री एंड इट ब्रोक इनटू सेवरल पीसेस. और जैसे ही वो पुलाव खा लेता है तो उसके बाद जो एम्प्टी डिश होती है उसको वो ट्री से अंदर घर के अंदर फेंक देता है, और उस से जो डिश थी वो बहुत सारे पीसेस में टूट जाती है. सो टोटोज मिसचीफ ग्रू बाय द डे. ओके, एंड ग्रैंडफादर रियलाइज दैट दे कुड नॉट कीप हिम एट होम. और टोटो की जो शरारतें थी अब डे बाई डे बढ़ती जाती है, ठीक है. अब ग्रैंड फादर को रियलाइज होता है कि अब टोटो को ज़्यादा टाइम तक घर में नहीं रखा जा सकता था. ओके, सो फाइनली ही फाउंड द सेम टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर अ सम ऑफ 3 रुपीज. ठीक है, अब टोंगा ड्राइवर को ग्रैंड फादर ढूंढ लेते हैं, ठीक है. जब उन्होंने टोंगा ड्राइवर को ढूंढ लिया तो उन्होंने टोटो को उसको वापस से 3 रुपीज में बेच दिया, क्योंकि उन्होंने 3 रुपीज में टिकट खरीदा था उसके लिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.